भारत के पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वतमाला में भारत के 75% से ज्यादा जीव प्रजाति का वास है। यहाँ के घनी वनभूमि विभिन्न जीवों के रहने के लिए बहुत अच्छा है और ये इंसानों के हस्तक्षेप से भी बाहर है, इसीलिए यहाँ कई अद्भुत प्रजाति के जीव फलते फूलते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम यहाँ रहने वाले एक अनोखे जीव प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं। नाम इंडियन जेंट स्क्विरल। आपने अपने घरों के आसपास छोटे छोटे गिलहरी को तो देखा ही होगा, जो एक इंसानी मुट्ठी के बराबर होता है। इनको पाम स्क्विरल कहते हैं। जायंट स्क्विरल इनसे आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी पूरी बॉडी की लंबाई 25 से 50 सेमी तक होता है और साथ में 45 सेमी तक लंबी पूंछ भी रहती है। इंडियन जायंट स्क्विरल को मालाबार जायंट स्क्विरल भी कहा जाता है। ये प्रजाति पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वतमाला छोड़ के भी सातपुड़ा पर्वत, उत्तर मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। इनके बॉडी का कलर भी बहुत सुंदर होता है। इनकी बॉडी 2 और 3 टोन की हो सकती है, जैसे क्रीमी बेज, बफ, टैन, ब्राउन, रेडिश ब्राउन एक्सेट्रा। इनके सामने के 2 पंजे क्रीम कलर के होते हैं। शिकारियों से बचने के लिए ये प्रजाति पेड़ों में 11 मीटर की उच्चता में छोटी छोटी डाली और पत्तों से घोंसला बनाती है। एक अकेला जायंट स्क्विरल अलग अलग पेड़ों में कई घोंसले बनाते हैं ताकि शिकारी उनका एक्चुअल एड्रेस पता ना लगा पाए। ये प्रजाति दिन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जायंट स्क्विरल्स आमतौर से शाकाहारी जीव होते हैं। ये फल, फूल, बीज को खाके अपना पेट भरते हैं। जैकफ्रूट अर्थात कटहल इनका मनपसंद फल है। पर मालाबार जायंट स्क्विरल्स के कुछ सब स्पीसीज ओमनिवोरस भी होते हैं। ये पक्षियों के अंडे और कीड़ों को कंज्यूम करते हैं। ये जीव प्रजाति अकेले रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के वक्त नर और मादाएं साथ रहती है। इस प्रजाति की मादाएं मार्च के महीनों में 2 से लेकर 3 तक बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे आत्मनिर्भर ना बनने तक माँ के ही साथ रहती है। भारत के घने वनभूमि ने फिलहाल इस प्रजाति की रक्षा की है, लेकिन धीरे धीरे ये वनभूमि छोटी हो रही है, जिस वजह से इनके रहने की जगह भी सिकुड़ रही है। इसकी वजह से पशु प्रेमियों ने बहुत आंदोलन की है। फिलहाल इंसानों के दायरों से बाहर पूर्व घाट और पश्चिम घाट के घने वनभूमि ने इसको विलुप्त होने से बचा के रखा है।